जब बच्चों को मौखिक गिनतियों का बोलने का अभ्यास हो जाए, वो गिनतियां याद हो जाए, ठीक प्रकार शुद्ध उच्चारण में बच्चे गिनतियों को बोलने लगे। इस अभ्यास को और रुचिकर बनाने के लिए कुछ बाल गीतों का भी उपयोग किया जाता है। बाल गीतों के साथ साथ कुछ गिनतियों को याद करने वाले खेल भी बच्चों के बीच में कराए जाते हैं। इन सभी तरीकों से बच्चों को मौखिक गिनती का अभ्यास पूरा हो जाता है। जब ये अभ्यास पूरा हो जाए, तब हम अष्टशील के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। ये दूसरा चरण है वस्तुओं की गिनती। वस्तुओं की गिनती की आवश्यकता क्यों? अभी पहले चरण में बच्चों ने उन गिनतियों के उच्चारण तो याद कर लिए, लेकिन किस उच्चारण का कितना महत्व है, वो कितना है, यह कल्पना बच्चों को नहीं होती। एक अर्थात कितना, यह समझाने के लिए बच्चों के सामने कुछ वस्तुओं की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसी वस्तुएं बच्चों के ध्यान में लाना जो अपने आप में अकेली दिखती हों, उनके जैसा दूसरा ना हो। जैसे कि बच्चों के लिए बाल जगत में रुचकर एक पात्र चंदा मामा बच्चों को बताया जा सकता है। बच्चे रात्रि में चंदा मामा एक ही होते हैं, उन जैसे दूसरे नहीं दिखाई होते, इसलिए वो एक है। साथ में कुछ अन्य भी चीजें जो एक ही हैं, उनके भी नाम बच्चों के सामने बोलना। बच्चों को पढ़ाते समय हर समय ध्यान रखना, पहले सरल चीजों का उपयोग किया जाए, फिर कठिन चीजों का उपयोग किया जाए। पास की चीजों का उपयोग किया जाए, फिर दूर की चीजों का उपयोग किया जाए। हालांकि चंदा मामा दूर के हैं, पर बच्चों के लिए रुचिकर हैं, इसलिए उनका प्रयोग पहले किया जा सकता है। बच्चों का लगाव चंदा मामा से अधिक होता है। बाकी पहले ज्ञात चीजों का उपयोग किया जाए, जो चीजें हमारी जानकारी में हैं, ज्ञान में हैं, ज्ञात हैं, फिर अज्ञात चीजों के उदाहरण दिए जाए। पहले मूर्त चीजों की चर्चा की जाए, फिर अमूर्त, जिनकी मूर्ति नहीं होती, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन काल्पनिक चीजों की चर्चा की जाए। इन नीतियों का पालन करने से पढ़ाते समय सहायता रहती है। एक की कल्पना होने के बाद दो, बच्चे दो कितना होता है, जैसे कि आपकी आंख एक जैसी दो दिख रही है, जब एक चीज के जैसी दूसरी चीज भी दिखाई देती है तो उनको गिनते हैं दो। ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, पशुओं की भी बात कर सकते हैं, गाय के, भैंस के, बकरी के सींग दो होते हैं। कुछ चीजें जो दो वाली हों बताई जा सकती है। इसी प्रकार तीन, तीन बताने के लिए सामान्यतया कक्षा के कमरे में छत के पंखे लगे होते हैं, उस सीलिंग फैन में तीन पंखुड़ियां होती हैं, उनको दिखाया जा सकता है। जंगल में कुछ पेड़ भी ऐसे होते हैं जिनमें तीन पत्तियां होती हैं, जैसे ढाक। कहावत भी है ढाक के तीन पात। अगर वो आसपास है गांव में तो आचार्य उसको साथ में ला सकते हैं। बेलपत्र, उसमें भी तीन पत्ती का समूह होता है। इस प्रकार कोई और भी कमरे में अगर चीज तीन की संख्या में ही है तो उसको भी दिखा सकते हैं। चार, चार बताने के अनेक माध्यम हैं। कुर्सी के पैर चार होते हैं, मेज के भी चार पैर होते हैं, गाड़ी में भी चार पहिए होते हैं, उन उदाहरणों से चार समझ में आ जाता है। पांच, प्रत्येक की हाथ में पांच अंगुलियां होती हैं, इनको दिखाकर पांच गिना सकते हैं। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे वस्तुएं मिलना कठिन हो जाएंगी, उस स्थिति में कुछ बच्चों को सामने खड़ा कर सकते हैं। उन बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए हम आगे की संख्या गिनते हैं। मान लो छह, एक,
दो तीन चार पांच छह, इस प्रकार गिनना होगा। सिर पर हाथ क्यों रखना? बच्चों का ध्यान उसी स्थान पर केंद्रित रहे। एक, बच्चे कहीं और अगर ध्यान में हैं तो उनका हमारी हाथ रखते समय उसको देखने में ध्यान एक जगह आ जाए। दूसरा, उनको क्लियर स्पष्ट समझ में आ जाए कि हम एक किसको गिन रहे हैं, दो किसको गिन रहे हैं, पांच किसको गिन रहे हैं। हाथ नहीं रखेंगे तो कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ पाएगा कि पांच कहां से कहां तक, पांच पूरा हो गया। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उतनी बड़ी संख्या में बच्चों की भी पंक्ति बनाना आसान नहीं होता। फिर हम कुछ पत्थर के टुकड़े, बीज, उनको एक लाइन में रख के भी गिना सकते हैं। इस प्रकार ये अपना चरण नंबर दो पूरा होता है।